आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइगर। तेलंगाना रियासती विद्यार्थी निगम TRSV पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरा किया। TRSV ग्रेटर हैदराबाद कोऑर्डिनेटर मीर खुर्रम अली की सरबराही में TRSV कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। पेट्रोल और डीजल में ताज़ा तरीन इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मतालबा किया। इस मौके पर कोबराज रमेश, मोहम्मद सरफराज, अमरीश्वर, विशेष, महेश, उदय, रोशन, अजहर, शशीश और दीगर मौजूद थे। साथियों, जिस तरह BJP का नारा है सबका साथ सबका विकास, आज आप सब देख सकते हो हिंदुस्तान में जहां पर कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, यहां पर लोग के पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। इसी दौरान हमारे सेंट्रल हुकूमत या कहूँ मोदी हुकूमत जो पेट्रोल और डीजल में प्राइसों में इजाफा करती जा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि जिस तरह आज हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें से 70% स्टाफ को निकाला गया है, यहाँ पे तो विकास किसी का नहीं हो रहा है। आज इसी को देखते तेलंगाना राष्ट्र समिति विद्यार्थी विभागम, मैं GHMC कोऑर्डिनेटर खुर्रम अली और हमारे युवाओं के साथ मिलकर चारमीनार के दामन में पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हमने प्रोटेस्ट किया है। हम पब्लिक से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जागे, क्योंकि जिस तरह आज पेट्रोल के कीमतें बढ़ाई जा रही है, जिस तरह आज किसान रोड पर है, जिस तरह ग्रेजुएट होने के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी हमारे युवा दूसरी कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन को लेकर जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही है, इसमें हमारे जो भाई है, चाहे वो ऑटो वाले रहने दो, चाहे वो रिक्शा वाले रहने दो, वो यूथ जो डेली बेसिस ग्रेजुएट होने के बाद भी जोमैटो स्विगी जैसा ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, वो लोग को और वो लोग के घर के बारे में कौन सोचेगा? जब 100 रुपये पेट्रोल आप बेच रहे हो और सिर्फ 5 या 6 घंटे आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, उसमें वो कमाएंगे क्या, पेट्रोल क्या दलाएंगे? ये पेट्रोल की समस्या केवल युवाओं की नहीं, ये समस्या तमाम हिंदुस्तानियों की है। इससे पहले भी पेट्रोल के जब दाम बढ़ाए जाते थे, जब कांग्रेस सरकार थी, जब यही BJP सरकार सड़कों पर उतरती थी, यही BJP सरकार सड़कों में आके नारे लगाती थी, आज जो प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है, आज वो लोग क्यों चुप हैं? मैं तमाम युवाओं की तरफ से ये डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के प्राइस को कम किया जाए, ताकि हमारे हिंदुस्तानी भाई सुकून की, चैन की सांस ले सकें।